हे गाइस, स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। भोकाल सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि भोकाल, तुरीन, अतिक्रूर और शोतान तिलिस्मी ओलंपाक में पहुंच जाते हैं। वहां वे एक डायनासोर को हराते हैं। इधर राजकुमारी श्वेता मोहन को भी फूचांग तिलिस्मी ओलंपाक में भेज देता है। इसके बाद वे सभी बहुत सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर से लड़ते हैं। इसके आगे की कहानी देखिए इस पार्ट भोकाल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आलोप भोकाल कैसे बना। दरअसल आलोप परिलोक में रहता था। एक दिन राक्षस राज बोझ और भरकम ने परिलोक पर अटैक कर दिया। वहां के राजा खजानदेव उनसे कहते हैं कि अगर मागरो भोकाल को इस बात का पता चल गया तो इन सब की शामत आ जाएगी। ये सुनकर वो राक्षस उनके सीने में तलवार घुसा देता है। युवराज आलोप अपने पिता को संभालता है लेकिन उनकी मौत हो जाती है। अब आलोप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था तो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ लिया और आलोप को उठाकर दूर फेंक दिया। वे सभी परियों को कैद कर आलोप को मरा समझकर वहां से चले गए, लेकिन वो मरा नहीं था। आलोप उठा और अपने पिता के पास जाकर रोने लगा। फिर वो बाहर आया और अपनी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो भी ना मिली, मिला सिर्फ एक पंख। आलोप वहीं बैठकर रोने लगा कि तभी किसी ने उसे पुकारा। आलोप ने अंदर जाकर देखा तो महागुरु भोकाल बहुत बुरी हालत में अंदर पड़े हैं। महागुरु भोकाल कहते हैं कि जब ये हमला हुआ तब वे समाधि पर बैठे थे और उन पर भी धोखे से वार किया गया। वे आलोप को बताते हैं कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और उन राक्षसों की कैद में है। वे बताते हैं कि आलोप की माँ को राक्षस पृथ्वी लोक ले गए हैं और आलोप को वहाँ जाकर उन्हें ढूंढना होगा। तब वे आलोप को एक बड़ा पत्थर हटाने को कहते हैं जो आलोप से हिल भी नहीं पा रहा होता। तो महागुरु भोकाल उससे अपना नाम लेने को कहते हैं और जैसे ही आलोप ने भोकाल पुकारा तो उससे वो पत्थर हट गया जिसके अंदर थी दुधारी तलवार और ढाल। आलोप महागुरु भोकाल के कहने पर वे चीजें उनके पास लेकर आया। इसके बाद महागुरु भोकाल ने तलवार अपने हाथ में ली और आलोप के दाएं हाथ में तलवार से निकली एक चिंगारी ने हमेशा हमेशा के लिए एक निशान बना दिया। उन्होंने आलोप को बताया कि जब भी आलोप उनका नाम पुकारेगा तब उसे ये तलवार, ढाल, कवच और ये शक्तिमान स्वरूप मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें और बताई। फिर उन्होंने बताया कि उनका वक्त खत्म हो चुका है और वे आलोप को पृथ्वी पर भेज देते हैं, जहां उसे एक कुटिया दिखाई दी तो आलोप उसकी तरफ बढ़ चला। यहां उसकी मुलाकात हुई महश्री गाजोबाजो से। उसने उन्हें सारी बात बताई तो महश्री ने उसकी मदद करने का वचन दिया। आलोप ने उनकी खूब सेवा की और बदले में उसको मिला पिता समान प्यार। काफी समय बीत गया। एक दिन महश्री समाधि से उठे और बताया कि वही राक्षस कोहरामपुर में तबाही मचाने आ चुके हैं। कोहरामपुर में सचमुच कोहराम मचा हुआ था कि आलोप उनको रुकने के लिए कहता है तो एक राक्षस उसको एक लात जड़ देता है। तब वह जोर से पुकारता है भोकाल और फिर सबको दिखाता है कि वो क्या क्या कर सकता है। भोकाल चुन चुन कर उन सबको मार रहा था। तब भोकाल एक राक्षस से अपनी माँ बोझ और भरकम के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसकी माँ उनकी कैद में है। बोझ और भरकम देवता खजूरा के कहने पर तिलिस्मी ओलंपाक में पहरेदारी कर रहे हैं और तिलिस्मी ओलंपाक कहाँ पर है यह किसी को भी नहीं पता। जवाब सुनकर भोकाल उसको मार देता है। ये सब देख कर कोहरामपुर के लोग बहुत खुश होते हैं और भोकाल को अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। तभी एक मुनादी जो ऐलान कर रहा था कि फूचांग तिलिस्मी ओलंपाक में सर्वोत्तम महावीर को भेजेगा और जो तिलिस्म तोड़ देगा उसको मिलेगा एक बहुत बड़ा खजाना। इतना सुनकर आलोप ने दौड़ लगा दी और सीधे आश्रम में पहुंचा, लेकिन महर्षि वहां नहीं थे तो उसने फैसला किया कि वो विकास नगर जाएगा। ये सारी कहानी भोकाल उन सबको सुना रहा था, जो ये सब सुनने के बाद कहते हैं कि वो सब भी भोकाल की इस काम में मदद करेंगे। तभी उस रेगिस्तान में एक बहुत जबरदस्त रेत का तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि वे हिल भी ना सके और जब तूफान थमा तो वहाँ कोई नहीं था। ये सब देखकर सारे राजा महाराजा परेशान हो उठते हैं
वे सब दुआ करते हैं कि भोकाल को कुछ ना हुआ हो। पोचांग भी ये सब लगातार देख रहा था। तभी भोकाल रेत के टीले को चीरता हुआ बाहर आया। बाकी लोग भी टीलों के नीचे ही होंगे, ये सोचकर भोकाल की तलवार टीलों से टकराने लगी और टीले कण कण बिखर के नीचे गिरने लगे। भोकाल को अतिक्रूर, श्वेता और शूतान मिल गए, लेकिन उन्हें तुरीन नहीं मिली। अब सारी औरतें परेशान हो जाती हैं कि तुरीन कहाँ गई, उसको कुछ हो तो नहीं गया। सारे राजा महाराजा भी इस खेल का मजा ले रहे थे कि तभी भोकाल देखता है राक्षसराज बोझ और भरकम को। पुरानी बात याद करके भोकाल बन जाता है प्रलंकारी भोकाल और उनकी तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन उनमें से एक श्वेता को उठा लेता है और बॉल की तरह दोनों राक्षस श्वेता से खेलने लग जाते हैं। भोकाल जैसे ही उनकी तरफ अटैक करने बढ़ा, उसने श्वेता को आगे कर दिया, जिससे भोकाल बेबस हो गया। भोकाल की मजबूरी पर दोनों हंसते हैं। भोकाल कुछ नहीं कर पा रहा था, तब भरकम ने श्वेता को नीचे रख उसकी गर्दन पर तलवार लगा दी और भोकाल को अपनी ही तलवार से अपने आप को काटने को बोला। साथ ही धमकी भी देता है कि भोकाल ने ऐसा नहीं किया तो वे श्वेता को मार डालेंगे। अतिक्रूर और शूतान भी ये सब देख रहे थे कि तभी शूतान कुछ करता है। तब भोकाल आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ काट डाला। अतिक्रूर बहुत गुस्सा हो गया था तो शूतान उसको पकड़ता है। सभी दर्शकों में सन्नाटा छा गया, उनका पूरा नशा ही उतर गया। फिर भोकाल ने अपने कई अंग काट डाले कि तभी किसी ने भरकम को उछाल फेंका। दरअसल ये सब शूतान का सम्मोहन था। फिर भोकाल उन दोनों से जा भिड़ा। भोकाल ने उन दोनों के पैर और हाथ दोनों काट डाले। दोनों राक्षसों की चीखों से गूंज उठा था आकाश। तब भोकाल पूछता है कि परियों की रानी ओसिका कहाँ पर है। भोकाल एक की गर्दन पर तलवार रखता है और बताने को कहता है। वो बता ही रहा होता है कि तभी वो दोनों स्वर्ग सिधार जाते हैं। ये देखकर भोकाल गुस्से से पागल हो जाता है और उसकी गर्दन काट डालता है। फिर वो अपनी माँ को याद करके रोने लग जाता है। बाकी सब उसको दिलासा देते हैं कि वो सब भी उसकी मदद करेंगे उसकी माँ को ढूंढने में। इधर फूचांग कहता है कि अगर वो उन दोनों को ना मारता तो वो अपना मुंह खोल देते और भोकाल तिलिस्मी ओलंपाक से भटक जाता। फिर वो तुरीन को देखता है जो एक गुफा में जा रही होती है। टू बी कंटिन्यू। अगर आपको ये पार्ट जरा भी पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अंत में सब्सक्राइब करें राज कॉमिक यूनिवर्स को और बने हिस्सा मेरे इस यूनिवर्स का, क्योंकि जुनून जिंदा है।